तो आज 7 दिन बाद ठंडे पानी से नहाकर अच्छा तो काफी लगता है, लेकिन कहीं बीमार न पड़ जाऊं ये सोचकर बाहर धूप में आकर बैठ जाता हूं। और इस धूप में बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार उठता है, क्यों ना आज गुड़ की चाय बनाकर पी ली जाए। और जब रसोई घर में जाकर देखता हूं तो ना तो भरपूर मात्रा में गुड़ होती है और ना ही दूध। चलो दूध और गुड़ को लेने जाऊं उससे पहले अपने छत पर पड़े कपड़े और जूतों को नीचे उतारकर रख देता हूं। और जब मैं बाहर आता हूं तभी मुझे ये दो बच्चे मिलते हैं जो कि मुझसे मिलने के लिए मेरे रूम पर जा रहे थे, पर मैं इन्हें रास्ते में ही मिल जाता हूं। तो इनसे थोड़ी मस्ती करने के बाद पहुंच जाता हूं इन अंकल जी के पास। तो अंकल जी से 1 किलो गुड़ और 1/2 किलो दूध को लाकर चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता हूं। और चाय फटे ना इसीलिए गुड़, चाय पत्ती और इलायची को अलग बर्तन में उबालता हूं और दूध को अलग। और जब इन दोनों का आपस में मिलन कराता हूं उसके बाद भी चाय फट जाती है, लेकिन गुड़ की चाय तो आज तीखे मानूंगा मैं। और फिर से वही प्रक्रिया दोहराने के बाद मैं चाय और दूध का मिलन कराता ही हूँ कि तो अब गुड़ की चाय गई बाहर में, मैं जा रहा हूँ अपने कपड़ों पे प्रेस करने। बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना।